हेलो, दिस इज इनकेमिस्ट्री एंड यू आर वॉचिंग इनकेमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे क्वेश्चन टैग का प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे करें। जैसे आप देखेंगे, सुन रहा है ना तू, या फिर आ रहा है ना वो, देख रहे हो ना तू, पढ़ रहा है ना वो, या फिर मन लग रहा है ना तुझे, या फिर याद कर रहे हो ना मुझे, इन सबको हम क्वेश्चन टैग में कैसे बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन टैग सिंपल तरीके से ये होता है, जैसे क्या आप सुन रहे हैं ना, या फिर आ रहा है ना वो, इसका मतलब है कि क्या, या फिर वह आ रहा है ना, तो ऐसे होता है। लेकिन हम जब हिंदी बोलते हैं या फिर अपने कोई भी ओरिजिनल लैंग्वेज को बोलते हैं तो अपने तरीके से किसी भी तरीके से बोल देते हैं। अब हमें जब उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो अब हम उसके सेंस को देखते हैं और सेंस के अनुसार उसे हम इंग्लिश में सेंटेंस को बनाते हैं। और इसी तरीके से हम क्वेश्चन टैग में भी करेंगे। लेकिन ऐसा है कि हमारा बेसिक कंसेप्ट रहना चाहिए, बेसिक जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से जब हम समझ लेते हैं तभी किसी चीज़ को अपने तरीके से मोड़ सकते हैं, अपने तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, हम जीरो स्तर से देखते हैं, बिल्कुल शुरू से सीखते हैं क्वेश्चन टैग को। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कराना है क्योंकि प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखेंगे ऑल इज विल और यहाँ पर ऑल आर विल, दोनों में क्या अंतर है इसे भी समझेंगे। ऑल इज विल और ऑल आर विल, इसका क्वेश्चन टैग तो बनाना है ही, लेकिन दोनों में अंतर क्या है समझ लेते हैं तो आसान हो जाएगा। पहले इसे समझ लें। तो ऑल इज विल का मतलब है कि सब कुछ ठीक है, अपने परिस्थिति के बारे में बताना है कि मेरी परिस्थिति बिल्कुल ठीक है, मैं ओके हूँ, तो ऑल इज विल बोल सकते हैं। सब कुछ ठीक ठाक है तो ऑल इज विल बोल सकते हैं। ऑल आर विल का मतलब है कि लोगों के बारे में बात करना है। ऑल आर विल मीन्स सब लोग ठीक ठाक हैं। तो अब चलते हैं इसे क्वेश्चन टैग के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन टैग में क्या है कि हम लास्ट में प्रत्येक सेंटेंस लास्ट में न जरूर लगा हुआ होगा या फिर हिडन जरूर होगा। जैसे हम बोलते हैं तुम जाते हो ना, खाते हो ना, सब कुछ ठीक ठाक है ना, सब लोग ठीक ठाक हैं ना, तो अब इसी को समझना है। तो न के लिए जो न वर्ड आता है, मान लीजिए हम लिखते हैं न, तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का मदद लेना पड़ेगा। मान लीजिए इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर नॉट का प्रयोग नहीं है तो इधर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करके और किसी सब्जेक्ट को लिखना है। मान लीजिए ऑल इज वेल बोलते हैं तो क्वेश्चन टैग के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इजंट इट, इजंट इट लिखेंगे, ऑल नहीं लिख करके इजंट इट, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है परिस्थिति है, परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेज है, उसके बारे में बात कर रहे हैं और इसलिए इजंट इट लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे ऑल आर विल, सेकेंड में ऑल आर विल मिस होता है सब लोग ठीक ठाक हैं, और इसके लिए कौन है सब्जेक्ट, वे लोग हैं, यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका क्वेश्चन टैग होगा aren't they, इसी को समझना है ठीक से, aren't they। उसके बाद है I know little about you, मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ ना, ऐसा अगर बोलना है तो एक बात याद रखेंगे कि little यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है। कभी कभी सेंटेंस में ऐसे वर्ड भी शामिल होंगे जो निगेटिव होंगे और पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ निगेटिव है, इसका मतलब है कि ना के बराबर, तो मैं आपके बारे में ना के बराबर जानता हूँ ना, अगर ऐसा बोलना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा। मान लीजिए आप पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, आई नो, आई लर्न, आई प्ले, तो हेल्पिंग वर्ब क्या निकालते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से डू निकलेगा, यहाँ से डू आएगा तो हम लिखेंगे डू, और सब्जेक्ट आई है तो क्लियर हम लिख दिए कि डू आई, I know little about you, do I, simple है। अब इससे आगे देखते हैं, no one knows you, no one knows you, अब क्या होगा, no one knows you, तब इससे ये भी समझेंगे कि जब भी इस तरह का सेंटेंस no one, तो इसमें सब्जेक्ट दे को लाएंगे, no one को नहीं दे, और जब दे लाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, do होगा, और ये खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड नहीं लाना है, तो सिर्फ हम लिखेंगे do they। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, इसे समझना जरूरी है कि क्वेश्चन टैग में नो वन के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे, और जब दे का प्रयोग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन होगा, तो डू होगा। आई केप्ट साइलेंट एक सिंपल पास्ट का है, सेंटेंस है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या ला सकते हैं, तो हम डिड का इसमें प्रयोग करते हैं निगेटिव बनाने के लिए, तो डिड हमने लाया, और ये इस सेंटेंस में नॉट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नॉट इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे डिंट, और सब्जेक्ट क्या है आई, तो हम लिखेंगे डिंट आई।
क्वेश्चन टैग बनाने में भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेटेस्ट डांस, और इसके लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा शैल वी, स्पेशल रूल भी है तो हम लिखेंगे शैल वी, लिखेंगे शैल वी। उसके बाद नथिंग इज परफेक्ट, यहाँ पर भी सिचुएशन के बारे में बोल रहे हैं, प्रत्येक चीज़ों के बारे में बोलेंगे, भाई कुछ भी परफेक्ट नहीं है तो, और लेकिन ये निगेटिव वर्ड है तो सिर्फ हम लिख देंगे, हम लिखेंगे इज इट, इज इट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर नथिंग जो है एक खुद निगेटिव वर्ड है, हम यहाँ पर इजंट इट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इज इट। उसके बाद दिस इज यूजलेस, यह यूजलेस है, बेकार है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निगेटिव वर्ड नहीं है तो नॉट है लगाना पड़ेगा, हम लिखेंगे इजंट, इजंट इट लिखेंगे, दिस नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि दिस हम लिखेंगे, ऐसा नहीं। तो जो क्वेश्चन टैग का जो स्पेशल रूल है आप ये समझ गए हैं, बेसिक कंसेप्ट भी समझ गए हैं कि इसके साथ हमें करना क्या चाहिए। अब देखते हैं कि खा रहा ना तू, जा रहा ना तू, सुन रहा ना तू, इसमें जो भी सेंटेंस देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इज आर एम प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं, और इसे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे। कैसे देखिए, जैसे सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना तू, क्या होगा सोचिए, सुन रहा है ना तू, तो हम सबसे पहले हम बोलेंगे कि तुम सुन रहे हो ना, सेंटेंस को सीधा करना जरूरी है बनाने के लिए। सुन रहा है ना तू को हम सही से कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे तुम सुन रहे हो ना, तो हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में लिखने के लिए, हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे यू आर लिसनिंग, यू आर लिसनिंग, और फिर हम लिखेंगे आरंट यू, आरंट यू। क्यों ऐसा हमने किया, क्यों किया, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, सुन रहा है ना, तुम सुन रहे हो ना, लास्ट में जो ना है उसके लिए हम बाद में लिखते हैं आरंट यू, और तुम सुन रहे हो इसके लिए यू आर लिसनिंग, तो तुम सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, ना के लिए आरंट यू, नॉट इसमें नहीं है इसलिए आरंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आ रहा है ना वो, इसका मतलब है कि वह आ रहा है ना, किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि वह आ रहा है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, सिंपल तरीके से बनाना है, जैसे ही इज कमिंग, वह आ रहा है, और ना के लिए क्या होगा, तो हम नॉट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इजंट और ही लिखेंगे, सब्जेक्ट ही है इसलिए हम लिखेंगे इजंट ही, नॉट सेंटेंस में यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो उधर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है देख रहे हो ना तुम, इसका मतलब है तुम देख रहे हो ना, तुम देख रहे हो ना, तो अब फिर से हम लिखेंगे, हम लिखेंगे यू आर लुकिंग, यू आर लुकिंग, सिंपल बिल्कुल आसान तरीके से है, यू आर लुकिंग, और ना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ना के लिए हमें लिखना पड़ेगा आरंट यू, सिर्फ ना के लिए हमें उतना काम करना पड़ता है। पढ़ रहे हो, पढ़ रहा है ना वो, हम किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि पढ़ रहा है ना वो, किसी व्यक्ति के बारे में, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही इज रीडिंग या ही इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग, और इसे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम फिर इजंट, इजंट ही का प्रयोग करेंगे, सिंपल है, वेरी सिंपल है। उसके बाद मन लग रहा है ना तुझे, हम आपको बोल रहे कि मन लग रहा है ना तुझे, इसका मतलब है कि आपको मन लग रहा है ना, तो क्या होगा, पहले हम बनाएंगे आपको मन लग रहा है, उसके बाद ना के लिए, तो हम बोलेंगे यू आर, यू आर, हम लिख सकते हैं एक चीज़ को, किसी भी एक सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं, यू आर फीलिंग जो आए, यू आर फीलिंग जो आए, और ना के लिए आरंट यू, ना के लिए हम लिखेंगे आरंट यू, यू आर फीलिंग जो आए आरंट यू, मन लग रहा है ना, मजे ले रहे हो ना। उसके बाद क्या है, याद कर रहे हो ना मुझे, इसका मतलब है कि तुम मुझे याद कर रहे हो ना, तो पहले हम लिखेंगे तुम मुझे याद कर रहे हो, तो यू आर, और मिसिंग, मिसिंग में हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और हम उससे बोलेंगे कि मैं आपको याद आ रहा हूँ ना, या फिर क्या आप, या फिर आप मुझे याद कर रहे हैं ना, तो यू आर मिसिंग मी, और फिर उसके बाद आरंट, आरंट यू, आरंट यू, यू आर मिसिंग मी, आरंट यू, याद कर रहे हो ना मुझे। तो हिंदी सेंटेंस को देखेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, और उसे हम किस तरीके से बोल सकते हैं। किसी भी हिंदी सेंटेंस को
इंग्लिश में बोलने के लिए कोई एक तरीका नहीं होगा, आप कई तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ क्वेश्चन टैग बनाने की बात है, तो जो यहाँ पर टैग है इसे इसे तो किसी खास रूल से ही बनाना होगा। अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का क्वेश्चन क्या है? तुम्हें कॉफ़ी पसंद है ना? जैसे आप सिंपल प्रश्न पढ़ते हैं कि क्या तुम कॉफ़ी पसंद करते हो, या फिर तुम कॉफ़ी पसंद करते हो ना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। उसी प्रकार बहुत आसान तरीके से लोग पूछते हैं कि तुम्हें कॉफ़ी पसंद है ना, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट के रूल पर हम इसे बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट समझते हैं ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल पर ही बनाएंगे इसे। तुम्हें कॉफ़ी पसंद है ना, तो इसे आप अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका नाम तक याद रखते हैं। प्रत्येक कमेंट को हम पढ़ते हैं और आपका नाम रिपीटेशन की वजह से याद हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें ज़रूर सजेस्ट करते रहिए कि और क्या होना चाहिए, सजेस्ट करते रहिए। तो ज़रूरी है कि आप हमसे हमेशा बने रहें, कनेक्ट रहें, और जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो देखिए, सीखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।